लोकेशन वृंदावन देवघर के लिए हर्ष का दिन है। खुशी प्रकट करना, सम्मान देना, स्वागत में खड़े रहना, यह सभी कार्य मानवीय है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह जीवन अल्प है, संसार के आरंभ क्षण भंगुर है, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। अतः विद्यापीठ की परंपरा रही है, हम जो भी पढ़ते हैं वो निर्लिप्त भाव से ईश्वर को ही समर्पित करते हैं। यह विद्यापीठ महज एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि हम मूलभूत सिद्धांतों के तहत मानव निर्माण एवं चरित्र निर्माण में आस्था रखते हैं और इस कार्य के लिए ही प्रतिबद्ध हैं। स्वामी जी ने आगे कहा है, कोई कार्य लौकिक नहीं है, सारा कार्य पूजा और उपासना है। इस सुरम्य एवं पवित्र विद्यापीठ की भूमि पर आज माननीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार का आगमन हमारे लिए अति प्रसन्नता का विषय है। उनका विद्यापीठ परिवार की ओर से हृदय से स्वागत है। माननीय अमित शाह जी के लिए कुछ कहना ज़्यादा उचित इसीलिए नहीं होगा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में उनकी भागीदारी, संगठन क्षमता, सूझबूझ और अपनी सक्रियता से आज भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः पुनः हम एक बार उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं पुनः इस समारोह के आलोक में स्वामी जी के आदर्शों को रखकर बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, वास्तव में मेरा आदर्श तो कुछ ही शब्दों में रखा जा सकते हैं। उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के हर क्षेत्र में उसको अभिव्यक्त करने का उपाय बताना, भारत के नवनिर्माण में जो निश्चित चीजों की जरूरत आज है, निश्चित तौर पर वहां तक आपकी नजरें जाती होंगी और उसके लिए आप एवं आपकी सरकार संकल्पित होंगे। स्वामी जी ने इसे बहुत पहले स्पष्ट किया है और कहा है, एशिया की वाणी धर्म की वाणी है और यूरोप की वाणी राजनीति की वाणी है। आगे उन्होंने कहा है, जब तक भारत ईश्वर की खोज में लगा हुआ है वो मेरा मतलब यह है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान में रखें कि वह जहाँ वह यहाँ पर दोनों है और धर्म भी मुख्य है। समाचार आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपसे एवं सरकार से ज्ञान विज्ञान और शिक्षा की उन्नति के साथ सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएंगे। मैं आपका शिक्षण संघ के उपस्थित पूज्य सन्यासी एवं ब्रह्मचारी महाराजगण मेरा प्रणाम एवं सत्यम नमस्कार स्वीकार करें। देवघर जिला प्रशासन के माननीय अधिकारीगण, महामान्य जनों, बुद्धि और अन्य अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया बंधु सभी को विद्यापीठ परिवार की ओर से स्वागत है। क्योंकि सब ओम शांति शांति।